54 दिन हो गए हैं और बार बार वही गुहार लगाई जा रही है कि जो हमसे वादा किया गया है कि ट्रांसफर पॉलिसी आपकी जो है जल्द से जल्द जो है वो लागू की जाएगी और लागू कराई जाएगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जो अजीत साहब की वादा किया, वचन दिया उन्होंने 2022 में कि जल्द से जल्द जो है टाइम और पीरियड में ट्रांसफर पॉलिसी को लागू किया जाएगा। और उन वकील साहिबान जो हमारे बीच में वकील बन के आए थे कि हम आपकी जम्मू कश्मीर की वकालत करते हैं, आपकी ट्रांसफर पॉलिसी को जल्द से जल्द लागू कराया जाएगा। और इसीलिए ये सत्याग्रह उसी हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, ताकत के साथ आगे बढ़ते हुए, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है 254 दिन हो गए हैं, अभी तक ट्रांसफर पॉलिसी का कोई भी कंक्रीट डॉक्यूमेंट सामने नहीं आया हुआ है। और इसीलिए हम वकील साहिबान से ये पूछना चाहते हैं कि मेहरबानी करके जो वादा किया निभाइएगा, नहीं तो आने वाले कल में ये डोगरा समाज पूछेगा क्यों बच्चों की जिंदगी आपने दाव पर लगा दी एक छोटी सी ट्रांसफर पॉलिसी के लिए, माता पिता की जिंदगी दाव पर लगा दी एक छोटी सी ट्रांसफर पॉलिसी के लिए, और हमारा जीवन दाव पर लगाया एक छोटी सी ट्रांसफर पॉलिसी के लिए। आपके पास वक्त है, प्रचंड बहुमत में सरकार है सेंटर में, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो चला यहाँ पर चला रहे हैं जम्मू कश्मीर में। जो वादा किया है मेहरबानी करके उसको निभाइएगा, ट्रांसफर पॉलिसी लागू कीजिएगा, और जो 8-8 महीने से जो सैलरी बंद है मुलाजमीन की उनको बहाल कीजिएगा। जी ये कहना चाहते हैं कि हमारी जो पीड़ा है वो समझने वाला कोई नहीं है, हमें बार बार यहाँ से अपनी गुहार लगानी पड़ती है। देखिए अलमा इकबाल की लाइनें वो फिर एक बार मैं रखना चाहूँगा, तेरे आयात बंदों की ना ये दुनिया ना वो दुनिया, वहाँ पे जीने की पाबंदी, जहाँ पे मरने की पाबंदी। देखिए जो हालात हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं, तो अब इन हालात में आदमी जाएगा क्या कहाँ? हमें यहाँ प्रोटेस्ट करने का कोई शौक नहीं है, हमें मजबूर किया गया है, हम अपनी जान बचाने के लिए प्रोटेस्ट भी नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? और हमारी आपको पता है जो सैलरी है वो किसी एम्प्लॉयज़ की 6 महीने से बंद है, किसी की 5 महीने से बंद है, किसी की इससे भी ज़्यादा है। कुछ हमारे जो साथी हैं बीमार हो गए, कुछ इस दुनिया से चले भी गए, इतनी मजबूरी है, लेकिन हमारी समझने वाला कोई नहीं है। हम इसी उम्मीद के साथ बैठे हैं, आज नहीं तो कल हमारा कुछ हल होगा। जैसे आपको मालूम है जब रिपब्लिक डे था उसमें एलजी साहब ने फिर एक उम्मीद की किरण जगाई कि मेरी जो इनसे बात हुई थी तो ये उस बात पे भरोसा रखे। अब हम यही चाहते हैं कि जो हमने भरोसा अभी तक रखा हुआ है तो वो पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। हमारे लिए एक ट्रांसफ़र पॉलिसी उम्मीद करते हैं जल्दी बनाई जाएगी और वो पब्लिक डोमेन में आएगी।